फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं क्यूआर कोड से। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे ना तो आपका पैनल आ जाता है, ठीक है, ये वाला। इसमें जो आपका वाईफाई का आइकन है उसे उंगली से दबा के रखना है, ठीक है, तो आपका वाईफाई का पेज आएगा। इसमें देखिए, आपका ये वाईफाई के सामने जो बटन है इसे पहले तो चालू कर लेना है। अब इसके बाद आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऐड, ये देखिए ऐड नेटवर्क के सामने जो स्कैनर का ये आइकन होता है इसे सेलेक्ट करना है, तो आपका ये ना वाईफाई का स्कैनर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इससे करना क्या है, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड होगा ना, आपको उसे स्कैन करना है, जिससे आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है वाईफाई को कनेक्ट करने का क्यूआर कोड से। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में आपको वाईफाई का क्यूआर कोड कहाँ पर मिलेगा, ये मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में आपको ना वाईफाई के इसी पेज पे आ जाना है, इसी प्रोसेस के जरिए, ठीक है। वाईफाई के देखिए, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में जो भी वाईफाई कनेक्टेड होगा, इस तरीके से जो भी वाईफाई कनेक्टेड होगा उसके सामने सेटिंग का आइकन होता है, सेटिंग के आइकन पर सेलेक्ट करना है, तो आपका पेज आएगा। इसमें आपको शेयर का ये ऑप्शन दिखेगा, शेयर का या फिर क्यूआर कोड भी लिखा हो सकता है, उसे सेलेक्ट कर लेना शेयर पे, ठीक है। तो आपका ये सामने वाले पर्सन का ये वाईफाई का क्यूआर कोड सामने आ जाएगा, तो इस वाले क्यूआर कोड को अपने वाईफाई के स्कैनर से स्कैन करना है, ठीक है।